Hello students. How are you? I hope you all are good at your home. In our previous video, we have read three stories related to Tsunami. One was related to Ignatius. Ignatius was the manager of a cooperative society in Kachal. And other is Sanjeev. Sanjeev was a policeman serving in the Kachal island of the Nicobar group of island. And third was Meghna. Megna was a 13-year girl. She was swept away along with her parents and 77 other people. Today we are going to discuss our another story. So today we are going to discuss another story. This story is related to Almas Javed. You can see this picture, and here is a tsunami picture. So Almas Javed was 10 years old. कि जो अलमास जावेद थी वो दस साल की थी शी वॉज ए स्टूडेंट ऑफ कार्मेल कॉन्वेंट पोर्ट ब्लेयर हर हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप तो जो अलमास जावेद थी वो कहाँ स्टडी करती थी वो पोर्ट ब्लेयर में एक स्कूल थी कॉन्वेंट कॉन्वेंट वहाँ वो स्टडी करती थी हर फादर हैड ए पेट्रोल पंप और जो उसके पिता थे उनके पास पेट्रोल पंप था हर मदर राहिलाज होम वॉज इन वरी यू कैन से नॉन कवरी नान कवरी इट्स योर चॉइस नानकवरी आइलैंड की जो उसकी माँ का जो घर था वो राहिला के अंदर था जो की नानकवरी आईलैंड पे है द फैमिली हैड ए गॉन दे आर टू सेलिब्रेट क्रिसमस सेलिब्रेट मीन्स टू एंजॉय फेस्टिवल या फंक्शन कि वो सेलिब्रेट करने गए किसको क्रिसमस को सेलिब्रेट करने के लिए गए हर शी इज अलमास जावेद हर मदर एंड हर फादर वेन द ट्रेमोरस ट्रेमोरिस ऑलरेडी आई टोल्ड यू इट मींस टू से झटके द ट्रेमोरिसम अर्ली इन द मॉर्निंग कि जब जैसे ही सुबह के समय जब ट्रेमोरिस ए स्लाइड सेक आए अर्थक्वेक uh, हुआ तो द family was स्लीपिंग कि जो उसकी अलमास जावेद की जो फैमिली थी टोटली totally फैमिली क्या कर रही थी स्लीपिंग कर रही थी सो रही थी अल्मास दी वॉटर रिसीडी रिसीडी मीन होता है गो बैक कि वापस आना कि जो उसके फादर्स थे अल्मास जावेद के उन्होंने जो सी वाटर की जो लहरें थी उनको देखा और उन्होंने रियलाइज किया कि ये वापस जा रही हैं। ही अंडरस्टूड दैट द वॉटर वुड कम रशिंग बैक विद ग्रेट फोर्स और उसी टाइम अंडरस्टूड यानी रियलाइज किया उन्होंने कि जो ये वाटर वापस गया है वो वापस क्या होगा रशिंग बैक रशिंग बैक कमिंग बैक वापस आना कि विद ए ग्रेट फोर्स यानी फोर्स मीन्स इम्पैक्ट या प्रेशर कि वो और अधिक प्रेशर से वो वापस आएगा ही वॉक एवरी वन ट्राई टू रश ए सेफर प्लेस ट्राइड मींस अटेम्प्ट कोशिश करना या प्रयास करना सो ही वॉकअप एवरी वन कि उनके जो फैमिली में जितने भी मेम्बर्स थे वो अलमास के जो फादर्स थे उन्होंने उनको बैकअप किया उठाया और कोशिश की टू रश टू ए सेफर प्लेस रश यानी रन फास्ट रश मींस होता है रन फास्ट तेज दौड़ना और उन्होंने कोशिश की कि उन्हें एक जल्दी से जल्दी एक सेफर प्लेस एक सुरक्षित स्थान पर ले जाया जाए He was Almas grandfather. Okay, you can see in this picture and her house. As they run, jaise hi wo wahan se rush out way from the house ghar se bhage her grandfather was hit on the head by something and he fell down. तो उसके जो grandfather थे, उनके head सर के अंदर कुछ hit हुआ, किसी चीज़ से वो टकराए and he fell down और वो नीचे गिर गए. Her father rushed टू हेल्प हीम रेस्ट मीन्स टू रन हेस्टेली कि जो उसके अल्मास के फादर थे वो अपने अपने फादर को बचाने के लिए भागे देन केम द फर्स्ट जेंट वेव दैट स्वैप्ड बोथ ऑफ दम अवे सो लेटस सी वॉट विल हैपन इन नेक्स्ट तो जैसे ही वो उसकी हेल्प के लिए भागे तो जो फर्स्ट जेंट वेव थी जेंट मीन्स वेरी लार्ज ओके okay, जो विशाल काय जो लहरें होती है वेव वो आई एंड दैट स्वेप्ड बोथ ऑफ देम अवे यानी टुक अवे विद सी वेव्स अवे मीन्स बहा ले गई कि जो उन दोनों को जो अल्मास के फादर थे और ग्रैंडफादर थे उसको वो जो जे जेंट वेव आई वो उनको स्वेप अवे अपने साथ बहा लेकर चली गई सी अल्मास मदर ओके एंड हर आंट्स थ्री आंट्स इज हेयर अलमास मदर एंड आंट्सिंग टू द लिवसोनट ट्री जो अलमास की मदर थी और उसकी जो आंट्स थी होल्डिंग फास्ट एंड क्लोजली टू समथिंग किसी चीज को बहुत ही कसकर पकड़ना टू द लिवस कि उनकी पत्तियां जो ऑफ ए कोकोनट ट्री एक कोकोनट ट्री की जो लिवस थी उनको उसने कस के क्लिंजिंग कर लिया पकड़ लिया होल्ड कर लिया उट टू हर कॉल जोर से चिल्लाना तो जो उन्होंने टू हर मतलब जो अलमास है related, her is related to अल्मास जावेद और उन्होंने उसकी मदर ने और आंट ने जोर जोर से शाउटिंग की अलमास को बुलाने के लिए अ वेव अप रूटेड द ट्री अपरूटेड मींस होता है टुक आउट फ्रॉम द ग्राउंड या रिमूवल मतलब जड़ जड़ से उखड़ जाना जो लहरें थी जो ट्री था ट्री को जड़ से उखाड़ लिया एंड देर वॉस्ड अवे वॉस्ड अवे मीन्स होता है की टेकन अवे विथ वॉटर की वो भी थी जो उसकी मदर थी आंट थी उनको भी जो वेव्स थी उस अपरूटेड ट्री के साथ बहा लेकर बहा ले गई अलमास सा अलॉग ऑफ वुड फ्लोटिंग अल्मास ने सो मींस देखना अलॉग मीन्स जो ट्री ट्रंक होता है ऑफ वुड की जो लकड़ी का एक मोटा तना होता है फ्लोटिंग मीन्स होता है कि मूविंग ऑन वाटर सरफेस की जो वाटर के ऊपर तैरता है कि उसने जो अल्मास है उसने एक लकड़ी का मोटा तना देखा जो पानी पे तैर रहा था शी क्लाइंड ऑन टू इट क्लाइम्ब ऑन टू यानी गोट ऑन की उसके ऊपर चढ़ गई किसके ऊपर जो लकड़ी का मोटा तना था उसके ऊपर जो अलमास थी वो चढ़ गई देन शी फेंटेड और आफ्टर दिस वो क्या हो गई फेंटेड मीन्स बिकम अनकॉन्शियस वो बेहोश हो गई वेन शी वॉकअप जैसे ही वो जगी शी वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरता ओके जैसे ही वो जगी वहां से तो उसने अपने आप को हॉस्पिटल में पाया जो कि कहा था कमोरता में था फ्रॉम देअर शी वॉज ब्रॉड टू पोर्ट ब्लेयर और कमोरता से उसको कहा लाया गया पोर्ट ब्लेयर में लाया गया द लिटिल गर्ल डज नॉट वॉन्ट टू टॉक अबाउट द इंसिडेंट विद एनी इंसिडेंट मींस अफेक्ट ऑफ समथिंग हैपनिंग यू कैन से घटना की जो लिटिल गर्ल थी अल्मास जावेद थी वो किसी से भी बात करना नहीं चाहती थी शी इज स्टिल ट्रामाटाइज

कि जो उसकी फैमिली है वो ननकरी आइलैंड में क्यों जाना चाहती थी हर फैमिली वैन टू ननकवरी आइलैंड टू सेलिब्रेट क्रिसमस कि जो उसकी फैमिली थी वो नॉनकवरी आइलैंड में इसलिए जाना चाहती थी कि वो क्रिसमस को सेलिब्रेट करना चाहती थी अनदर क्वेश्चन इज वॉट डिड अलमास कि अलमास के फादर ने क्या देखा वेन द ट्रेमोरस केम जैसे वो एक स्लाइट शेकिंग हुई तब वो क्या हुआ क्या देखा उन्होंने तो आंसर इज वेन द ट्रेमोरस केम अलमास फादर शाद सी वॉटर रिसीड कि जो वो गो बैक की जो वापस वो लहरें थी कि वो जाकर वो वापस पूरी स्ट्रोंग फोर्स के साथ वापस आ रही थी फोर्थ क्वेश्चन इज वॉट हैपन टू अलमास मदर एंड आंट की जो अल्मास की जो मदर थी और उसकी जो आंटिया थी उनके साथ क्या so, अवे बाई दी वे तो उन्होंने क्या हुआ की जो उसकी मदर और आंट्स वो भी जो लहरे थी सी वेव थी उसके साथ स्वेप्ड अवे हो गई फिफ्थ क्वेश्चन इज वॉट डिमास सी फ्लोटिंग इन वाटर कि जो अल्मास थी उसने पानी के अंदर क्या तैरता हुआ देखा आंसर इज अलमास सा ऑफ वुड फ्लोटिंग इन द तो अल्मास ने क्या देखा कि जो एक ट्री ट्रंक है वो उसके अंदर मूविंग कर रहा है सी वॉटर के ऊपर सिक्स क्वेश्चन इज वेयर वॉज अल्मास वेन शी वॉकअप कि जब अलमास अपने जो वेव से वो स्ट्रगल करके जब हॉस्पिटल वो, वो वहाँ से कहाँ कहाँ पहुँची जब वो जगी तो उस, उसने अपने आप को कहाँ पाया तो आंसर इज अलमास वॉज इन हॉस्पिटल इन कमोरथा वेंशी वॉकअप कि जब वो वॉकअप हुई तो उसने अपने आप को देखा कि मैं हॉस्पिटल में हूँ और वो हॉस्पिटल कहाँ था कमोर्था में था नेक्स्ट क्वेश्चन इज़ फाइंड द वर्ड्स फ्रॉम द पेसेज विच मीन्स शॉक्ड एंड डिस्ट्रेस्ड So, this traumatized, understood? And opposite word, nothing, something, late, early. So, my dear student, we have completed paragraph and question answer. Remaining part we will discuss in our next video. Till now, have a nice day.